नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया पर जानलेवा हमला, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती एक महिला कांस्टेबल समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। कश्मीर में बीएसएनएल की पोस्टपेड सुविधा के अलावा सभी मोबाइल सेवा ठप। जुमे की नमाज को देखते हुए लगाया प्रतिबंध, घाटी के 10 जिलों में कर्फ्यू जारी। आम आदमी पार्टी ने 3 राज्यों का प्रभार सौंपा, केजरीवाल ने संभाली पंजाब की कमान, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गोवा की जिम्मेदारी, आशुतोष और कपिल बने गुजरात के प्रभारी। अनशन तोड़ते ही इरोम शर्मिला के अपने भी हुए पराए, सहयोगियों ने भी शर्मिला से किया किनारा, अभिनेत्री रेणुका शहाणे ने अपने घर में रखने का दिया दावा। और सुप्रीम कोर्ट ने सड़क एवं परिवहन मंत्रालय पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना, सड़क हादसों पर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल न करने की दी सजा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राजनाथ सिंह के करीब माने जाने वाले बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया पर बीती रात कुछ अज्ञात हमलावरों ने AK-47 से हमला कर दिया। हमला उस दौरान हुआ जब तेवतिया मुरादनगर से कवि नगर अपने घर लौट रहे थे। गंभीर रूप से घायल तेवतिया को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने तेवतिया पर 100 राउंड फायरिंग की, जिसमें तेवतिया के साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद 5 और लोग भी घायल हुए हैं। तेवतिया पर हुए हमले के मामले में एक महिला कांस्टेबल समेत 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस इस मामले में बागपत में तैनात महिला कांस्टेबल सुनीता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सुनीता नामी बदमाश राकेश हसनपुरिया की पत्नी है। हसनपुरिया 2003 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। उस वक्त कहा जा रहा था कि तेवतिया ने उसकी मुखबिरी की थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 10 दिनों के विपक्षनीय से लौटते ही आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। केजरीवाल ने पार्टी नेताओं को राज्यों की जिम्मेदारी सौंप दी है। खुद केजरीवाल पंजाब का जिम्मा अपने पास रखेंगे, जबकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात में अगले साल के अंत में चुनाव होंगे, जिसके लिए अभी से जल मंत्री कपिल मिश्रा और आशुतोष को गुजरात का जिम्मा दे दिया गया है। पार्टी नेताओं को सितंबर के पहले हफ्ते से काम पर लग जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इन नेताओं को हर महीने 10 से 15 दिन अपने राज्यों में बिताने के निर्देश भी दिए गए हैं। कश्मीर में एहतियाती तौर पर अधिकारियों ने सरकारी BSNL की पोस्टपेड सुविधा को छोड़कर बाकी सभी मोबाइल टेलीफोन सेवाओं पर आज प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा पिछले सप्ताह शुक्रवार की नमाज के बाद हुई हिंसक झड़पों को देखते हुए किया गया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने शुक्रवार को कर्फ्यू और प्रतिबंध लगाया हुआ है। पुलिस का कहना है कि घाटी में हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, सोपोर, तैगाम के अलावा सभी 10 जिलों में कर्फ्यू जारी रहेगा। अलगावादियों ने 18 अगस्त तक बंद का आह्वान किया है, लेकिन लोगों को कुछ निश्चित दिनों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सामान्य गतिविधियां जारी रखने को कहा है। सभी वरिष्ठ अलगावादियों नेताओं को पिछले 35 दिनों से हिरासत में रखा गया है। मणिपुर की आयरन लेडी इरोम शर्मिला ने 16 साल तक चले अपने अनशन को समाप्त कर दिया है, लेकिन अनशन तोड़ते ही उन लोगों ने इरोम का साथ छोड़ दिया है जो अब तक उनके साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे। जब वह अपने एक दोस्त के घर रहने गई तो लोगों ने उन्हें वहां घुसने नहीं दिया। इतना ही नहीं, स्थानीय इस्कॉन मंदिर ने भी उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। शर्मिला अब उसी अस्पताल में रह रही है जहां अनशन के दौरान वह 16 साल तक रही थी। शर्मिला के पास ठिकाना नहीं होने की खबर जब अभिनेत्री रेणुका शहाणे को लगी तो उन्होंने फेसबुक के माध्यम से उन्हें अपने साथ रहने का न्योता दे दिया। उन्होंने लिखा, इरोम शर्मिला, यदि आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जो आपको रखने को तैयार हो तो कृपया आप मेरे साथ यहाँ मुंबई में रह ले, ये मेरा सौभाग्य होगा। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के सबसे कामयाब सितारे रहे हैं सलमान खान, जिनकी सभी फिल्में सुपरहिट रही है और प्रशंसकों को हमेशा इंतजार रहता है कि अब सलमान किस फिल्म में किस रूप में दिखाई देंगे। इस वक्त भी वे कबीर खान की ट्यूबलाइट में काम कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ चीनी अभिनेत्री झूझू नजर आएंगी और दर्शकों को बेसब्री से उसका इंतजार है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि भाई इसके बाद वर्ष 2000
2012 में आई अपनी ही हिट फिल्म एक था टाइगर के सीक्वल में काम करेंगे, जिसे अस्थायी तौर पर टाइगर जिंदा है के नाम से पुकारा जा रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार दबंग सलमान खान की एक था टाइगर यशराज बैनर के तले बनी फिल्म थी, जिसे कबीर खान ने निर्देशित किया था, लेकिन इस सीक्वल के निर्देशन का जिम्मा सलमान की ताजा तरीन फिल्म सुल्तान के निर्देशक अली अब्बास जफर को सौंपा गया है। इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।